सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संध्या राणा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरे पहाड़ पे। तो कैसे हैं आप लोग, आयोग के साहब अच्छे होंगे और मैं भी सही से हूँ। तो फिर से नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और नए दिन के साथ साथ नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। और आज की ब्लॉग की शुरुआत करी मैं सुबह 9 बजे से अपने मायके के इन खूबसूरत जंगलों से। तो ये देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे जंगल हैं। तो इन जंगलों में आके ना सच में यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। और इनको बोलते थे हम चाकवा। तो यहाँ पे पहले हम गाय चराते थे उन दो का नीचे से लेकर और देख सकते कितने ऊपर तक खाली खाली सब मैदान है। तो इनमें ना पहले पता क्या करते थे, गाय चराते थे। अब तो यहाँ पूरा भूड़ हो गया है, यानी कंटीली झाड़ियाँ हो गई हैं इधर। तो देखे ये है जंगल, यहाँ के लिए बोलते हैं चाकवा। पहले हम गाय चराते थे इधर और आज देखे फिर से हमारी भाभी ने अपने बैलों को चराने के लिए ला रहे हैं यहाँ। ये देखे तो हमारी वो बैलों को कहाँ लेके जाएगी, ओठला लेके जाएगी। ये देखे बमन बैल कितने बड़े बड़े बैल हैं ये देखे, और साथ में पीठी पे लगा रखी है बैग। अच्छा तो रे यहाँ चाकला में इन बड़े ने कैसे भूड़ कर दिया यहाँ। पहले तो पूरा खाली खाली रहता था वही इधर, अब तो इनके इस झाड़ी के अंदर ना फिर भालू का डर रहता होगा वही इधर। नहीं बाबे गोर छोड़ा भी रहना अभी ये भूड़ा उनके के रहना तो 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 बड़ा मजा आ रहा है यार यहाँ बोन आके जंगल जाके बहुत मजा आया बोन आके। और यहाँ से ना क्या क्या लाएंगे, धंधरू भी लाएंगे, धंधरू भी बोलो धंधरू लंगड़ा, धंधरू की सब्जी, लंगड़ा की सब्जी। और देखे ये लंगड़ा बोलते हैं ना उसका घास है ये उन्हें बोलते हैं, पर लंगड़ा छाते ना तो लंगड़ा मिलेंगे तो लंगड़ा भी लेके जाएंगे। पहले यहीं पे इतने सारे लंगड़े रहते थे और तो लंगड़े भी विलुप्त हो गए यार। इंसान के साथ साथ ना जो हमारे ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं ये भी सारे लुप्त हो गए हैं। तो अब यहाँ से हमने चढ़ाई चढ़नी है ऊपर, तो यहाँ तक तो हम सीधे आगे। और यहाँ ऊपर देखे कितने बड़े बड़े बीट हैं ना, तो इन बीटों में हमारी जो पहाड़ की महिलाएँ होती है ना बड़ी आसानी से चली जाती हैं। और देखे पूरा ऊब काट रखा है वहाँ का, यहाँ ऊपर तक देखे कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और जो देश का फौजी होता है ना सिपाही, उसमें और हमारे पहाड़ की महिलाओं में कोई अंतर नहीं रहता है। नहीं भाभी हाँ यार, अगर इनको भी अगर ऐसा पद दिया जाएगा ना तो फौजी से पीछे नहीं है। अरे तभी बोलते हैं इन लड़कियों का कुछ काम नहीं है बस। हाँ नहीं काम जब फौज रोंदा रहे पीठी में। हाँ दा देख भाई के फौज से काम नहीं दिखाना नहीं आ रहा है यहाँ पीछे। पीछे देखे सब आ रहे हैं इधर, कान लो खुद ले आओ का क्या छो सो फजवा लो लोग कानी माँ बंदू की छने जिंदगी जी हाथ माँ बोले। कानी माँ सुयटी धरी जिंदगी चाहती माँ बोलो सात माँ पिठवा भी हाथ माँ। तो सांस फूल गई यार। वैसे आप लोगों ने मुझे वीडियो में देखा होगा अपने खेतों से अलावा और घर के अलावा कहीं नहीं जाती, लेकिन आज जितना लंबा रास्ता है उतना पता तो नहीं चल रहा है। अभी अभी तो हम आधा पर भी नहीं आए, कम से कम चार पाँच किलोमीटर की दूरी अभी और जाना है हमने। तो थी बोल नहीं भाभी 5-6 किलोमीटर।
तो अभी हम आ रहे हैं अखोड़ीधार में, तो यहाँ का नाम है अखोड़ीधार। तो यहाँ पे जब जंगल से आते थे ना, तो सारी महिलाएं यहाँ पे अपनी बारी भी साती थी वह, और यहाँ पे थोड़ा देर आराम करके अपनी थकान मिटा के फिर चले जाते थे घर को या जंगल के लिए। तो जब जंगल आते थे ना, तब यहाँ पे दथली पजाते थे। और यहाँ हमारे इस जंगल में ज़्यादा करके ना आपको बांध के पेड़ दिखाई देंगे, ये देखिए कितने बड़े बड़े बांध के पेड़ हैं। और यहाँ से ऊपर पूरा बांध वाला घनघोर जंगल दिखाई देगा। तो यहाँ से अभी चढ़ाई जाना है हमको, तो मेरे तो यहाँ दम निकल गया वह उकाल में, तो पानी की प्यास भी लग चुकी है। और इधर आगे आगे पे है गदेरा है यहाँ पे, तो जो हमारे गांव में जो पानी का जल स्रोत है ना, तो वो यहीं पे है और यहीं से जाता है पानी सीधे गांव में। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और साथ में यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी भी पियेंगे। तो ये वाला गाना सुना होगा आपने, ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़े की हवा, ठंडो पानी रे ठंडो उजनी से डांडू में ठंडो ठंडो। तो यहाँ पे है ठंडा पानी, और ये देखे खाल बना रखी है यहाँ पे बैलों के लिए। और जो जंगली जानवर होते हैं और जो जंगलों में छोड़े रहते हैं ना, तो उनके लिए अरे पानी। तो यहाँ पे देखे पानी का नल लगा रखा है। जल्दी पे रे पानी का मोनो लो आएगा, अब हमन पीछे नहीं छूटा। तो हमारे इन जंगलों में ना बान बुरास के रंग बिरंगे पेड़, जो हरे भरे पेड़ हैं, तो इन पेड़ों के साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये रिंगाल भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगा आपको, ये देखिए। तो इनसे जो हमारे पहाड़ की महिलाओं के पीठ पे जो सॉल्टी कंडी दिखाई देती होगी आपको, तो ये रिंगाल से बनती है। तो देखिए इस पे ना घास भी होता है बहुत सारा, इधर देख सकते हैं घास ही घास है। और रिंगाल की जो छड़ियाँ हैं ना, तो इतनी बड़ी बड़ी छड़ियाँ भी होती हैं, ये देखिए। तो इससे बनाया जाता है सॉल्टी कंडी, तो बांस नहीं होता है हमारे यहाँ करके, ये देखे इससे बनाते हैं। और घास इतना ज़्यादा घास इस पर होता है ना गुर्जी माने के लिए, ये पकड़ो। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, और इधर देखे बुरांस के पेड़ पे बुरांस फूले हुए नजर आएंगे, लेकिन अब सूखने लग गए हैं। तो अभी और भी चढ़ाई हमको जाना है। रे निंगोया लोया घासा बोर रे घासा बोर निंगा जाया छके निंगा मैं हम तभी आई थी खड़ो ये थे अनुम को। तो अब यहाँ का रास्ता भी पूरा चेंज हो गया, इतना चौड़ा चौड़ा रास्ता है। हाल फिलहाल कुछ रास्ते तो पुराना जैसा है, लेकिन फिर भी काफ़ी चेंज हो रखा है इधर, मज़ा आनी वे। तो एक पानी का टैंक भी यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ ऊपर से आएगा पानी जहाँ हम जा रहे हैं वहीं से। तो फिर वैसे तो यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा पानी हो जाएगा। और बुरास देखे लेकिन अब चढ़ाई नहीं है, अब सीधे जाना है। पर हालत ख़राब हो गई बाबू रेडी ये भाई, तो ये मन ना इतनी खुशी है यहाँ आने की, चढ़ाई का भी कोई पता नहीं चल रहा है। डर हाँ यार ये वो भी ना। तो ये देखे ये जो महिलाएँ आ रहे हैं, ये हमेशा आते हैं ना जंगल। तो अरे तो बैठना कद लिया आज मेरे भी अपना काम उधर
वे मैं तो जगार तो सामने दम बाहर तक अरे अभी आवाज़ तो खूब जा बहुत नाजी मो सो कहे कुछ है मिया आकृति माँ बामना बैठा ना बते माँ यो अभी चलने लो कौन दे मत जजमान लो ना तो इन भैया एक भी पसीना नहीं आ रहे भाई और मैं देखे कैसे हो गए पसीने से लथपथ प्रणाम रे ठीक जी स्वास्थ्य पाने वाल बच्चा ये जवान लौंडी है हाँ यार ये जवान है ना हम तो बूढ़े आदमी है भाई हाँ यार अंगूर है अजरक अंगूर इधर लाओ भाई तो खाने के लिए मिला रखा है साथ साथ में चल पहले पहले ये मुगड़ो दो एक ले लो जो ताड़ा मारेगा चावल भी है सब चीज है भाई सब चीज है इधर बहुत मैंने सब चीज दे रखा है पता चलो ना बुतियारा तो मैं उल्टा ये मुतरे ये मुतरे कुछ नियम काल बना छन हम काल बना छन वे हम खाना नहीं इन जीवे हम ते बुना धन पानी दीली हां दने हम इन जे पानी पहुंचे रे हमार घर मु राड़ छे ओणी इन जे हम घर मु चली हमार ने टैंक उन पड़ी पानी बस हम तो स्वे छो चाहो बेवा नहीं तुम घर बोन सुरक्षित भी छिन स्वे बहुत ही तुम दे बहुत नाजी की तरफ से नहीं बे तो ये देखे हमारे भाभी थमाले पल जा रहे है साथ में बांध लेके भी आएगी बांध मिलो ते गए तो आप लोगों को बताया मैंने खाली कोई भी नहीं जा रहा है तो बाढ़ की नारी का सबसे पहला हथियार रहता है थमाली थमाली दथली तो देखिए जंगल आते आते कितनी मुस्कान है इनके चेहरों पे इतना खुश हो रहे थे ना जंगल आने के लिए देखिए हाँ भाई गाने लगो लो यार गाना था तो मैं जंगल क्यों आती मैं गायक बन तू तो देखे कितना घास है यहाँ पे जंगल देखे कितनी ज्यादा घास है और हमारे भाभी जी बोल रहे हैं हमारे टाइम पे बल यहाँ पे एक मुठ पीठ पे रखने के लिए नहीं मिलती थी और आजकल के जो बहू है बोले इतना घास छोड़ रखा है बल इसको नहीं लेके जा रहे बस चोरी करके लेके जा रहे बल जहाँ जहाँ बंद किया होगा ना उन्होंने वहाँ वहाँ से वो चोरी करके ले जा रहे हैं ये देखे बाप रे इतना सारा सारा रिंगाल है यहाँ घास के लिए हरा हरा देखे कितना सारा घास है अरे जिन जिन्होंने भी जंगल काटा होगा ना उनको सच में यार ये वीडियो देख के ना जंगल की पुरानी यादें आ रही होंगी अभी तो अब हम पहुंच गए हैं गुड़ती के सिलड़े पुन यहाँ के लिए बोलते हैं गुड़ती का सिलड़ा क्योंकि यहाँ धूप बहुत कम आती ना इसलिए यहाँ का नाम सिलड़ा है और जो रियल नाम है यहाँ का गुड़ती है तो ये देखे भाई धूप भी आ चुकी है और यहाँ से देखे केदार घाट में कितना प्यारा बर्फ दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना जहाँ पे हमारे आराध्य देव भूतनाथ जी हैं तो वहाँ से जो एक खूबसूरत नज़ारा है और भी मनमोहक दिखाई देने लगेगा तो मुझे इतनी खुशी हो रही है इतनी खुशी हो रही है इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खुशी हो रही है क्या बताएं इन प्यारे से जंगलों में आके तो ये देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ना ये जो है खूबसूरती हमारे पहाड़ों की और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी ये देखिए कितना प्यारा जंगल ओहो हो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं ये देखिए ये है हमारा गांव सामने और ये हमारे गांव की सड़क है ये देख सकते हैं ये हमारा गांव आने हम उन बाजार जान छो हम कैंसिल कर ली हेलो दोस्तों तो यहाँ से सारे गांव दिखा लेती हूँ मैं एक बार तो यहाँ पे है ये ओरिंग गांव
और उसके पीछे वो सुरसाल गांव और उधर वो जोला बढ़त और भनल गांव वगैरह और सामने ऊपर तिनसोली और ये नाग जगह उधर बरमाड़ी और इधर ये हमारा गांव और ये जो नीचे नीचे नदी के किनारे होते होते सामने से दिखाई दे रहा है डमार गांव। तो काफ़ी सारे गांव दिखाई दे रहे हैं यहाँ से और इन बुरासों से खिले हुए जो पेड़ पौधे ना इनसे भी मन इतना मोहित हो गया है यहाँ इन फूलों पे भाई। तो अभी जो जंगल का रास्ता है वो तो काफ़ी चौड़ा हो गया है यहाँ के लिए बोलते हैं देड़ा डियोलवल। तो पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसे मुझे भी नहीं पता लेकिन हम सुना है कि बोलते हैं देड़ा का डियोलवल। और रास्ता देखे इतना चौड़ा चौड़ा रास्ता है। तो इन जंगलों में पहले ना लोगों के मरोड़े होते थे छानी जिनको बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इतने दूर तो नहीं जा पाऊंगी लेकिन छानियाँ भी रहती थी यहाँ पे मरोड़े जिनको बोलते हैं। और इन जंगलों में पहले पुराने लोगों के ना भैंस गाय बैल बकरियाँ वगैरह चराने के लिए रहते थे रखे रहते थे। और इधर इधर भी देखिए कितना समतल मैदान है इधर यहाँ नीचे। तो इन सारे जंगलों में हमने घास काट रखे हुए इधर और ऊपर तक देखे इससे भी ऊपर तक जाते हैं आपको मालूम है। तो इतने बड़े जंगल में देखे एक ही चीड़ का पेड़ दिखाई देगा वो भी इतना पुराना पेड़ है ना। और ये वाला पेड़ तो हमारे टाइम पे था ही नहीं ये छोटा वाला ये अब हो रहा है लेकिन जो हमारे टाइम का है ना कोई हाँ बोला जो हमारे टाइम का पेड़ था तो यही चीड़ का पेड़ था अब आधा टूट चुका है ये। तो बाकी यहाँ पे सारे बांज बुरास यार उसके पेड़ दिखाई देंगे ये से बड़ा बना वाला हमें कोया कटा है। तो जब हम पहले जंगल आते थे तो ये वाले पत्थर में बैठते थे रे कान होती थी उसको यहाँ पे मिटाते थे और उसके बाद चले जाते थे जंगलों की ओर। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है इतना चौड़ा चौड़ा रास्ता और ये देखिए भाभी ने यहाँ पे बैल चराने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है तो इन चोटियों में ना जो वन देवियाँ होती हैं तो उनका वास है यहाँ ऊपर वन देवी रहती है इधर। तो वन देवियों का ये पूरा जंगल है यहाँ पे